हेलो फ्रेंड, मैं सुशीला आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुशीला टेरिस गार्डन में। फ्रेंड, आज हम एक प्लांट के बल्ब को ग्रो करेंगे। तो फ्रेंड, ग्रो करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और फ्रेंड मेरे वीडियो को शेयर भी करिए। तो फ्रेंड, आज हम किस चीज़ के बल्ब को ग्रो करेंगे हम आपको बताते हैं। तो फ्रेंड, आज हम जो है इंसुलिन के बल्ब को ग्रो करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम आपको इंसुलिन प्लांट के पास ले चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये जो है इंसुलिन के बल्ब हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये बल्ब हैं इंसुलिन के। देखिए कितने कैसे बल्ब हैं, उनको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये बल्बस प्लांट होता है। और देखिए इसके बल्ब, देखिए ये देखिए बल्ब हैं इसके, ये देखिए कैसे बल्ब हैं इसके। और अब ये जो है अंकुरित होंगे, अब ये ग्रो होंगे धीरे धीरे करके, और फिर ये जो है नहीं फ्रेंड, इंसुलिन का प्लांट हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये जो है हमारे जो डायबिटीज़ वाले होते हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक होता है इंसुलिन। इंसुलिन मतलब कि इंसुलिन जो हमारे शरीर में बढ़ जाता है, अगर हम इसकी एक पत्ती रोज़ खाएं तो जो है हमारा इंसुलिन जो है कंट्रोल में रहता है। तो फ्रेंड ये देखिए, ये जो है कैसा वो है बल्ब है फ्रेंड। जब मैं इसको लाई थी तो इसमें 3-4 स्टिक थी, और फिर उसके बाद जो है इसमें ढेर सारी स्टिक निकली। देखिए फ्रेंड ये कैसा है, देखिए इसके बल्ब। देखिए आप चाहे तो इसके बल्ब को जो है ऐसे तोड़ के अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको तोड़ नहीं रही हूँ। मैं इसको जो है ऐसे ही पॉट में लगा दूँगी, क्योंकि जो है मैं इसको बड़े पॉट में लगाऊँगी इस बार, और फिर अगली बार जो है इसके बल्ब को जो है मैं सेपरेट करूँगी। इस बार नहीं सेपरेट कर रही, इस बार मैं जो है ऐसे ही लगा दे रही हूँ। तो देखिए मैंने इसकी सारी मिट्टी निकाल दी है, अभी भी इस पर मिट्टी लगी हुई है। तो देखिए कितना कैसा बल्ब है, देखिए इसका, देखिए ये देखिए। तो चलिए हम इसके लिए मिट्टी बनाते हैं अब। तो देखिए फ्रेंड, मैं इसके बल्ब को जो है अलग अलग कर रही हूँ, करके कर ही देते हैं अलग अलग, देखते हैं। देखिए देखिए फ्रेंड कैसे ये कैसे वो हो रखे हैं, ये देखिए कैसे बल्ब हैं इसके। देखिए अदरक की तरह, ये देखिए, ये देखिए अदरक की तरह बल्ब हैं इसके। देखिए ऐसे बल्ब होते हैं इंसुलिन के, जैसे अदरक होगा अदरक, ये देखिए। और जड़े हैं इनमें, तो इनको हम अलग अलग कट हो गए सब अलग अलग। ये देखिए फ्रेंड, ये भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, और ये देखिए बहुत ही बढ़िया। देखिए कितने अच्छे बल्ब ग्रो हो रखे हैं इसके, अदरक की तरह, जिंजर की तरह। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमने अलग कर दिए हैं, और ये मेरी मिट्टी इसकी मिट्टी है, और ये मैं गार्डन साइड लाई हूँ थोड़ा। और ये देखिए इसमें ये गिट्टियाँ निकली थी, इसको भी हम इसमें मिला दे रहे हैं मिट्टी गार्डन साइड लगी। और ये देखिए, ये मैं थोड़ा सा जो है ये खाद लाई हूँ थोड़ा, ये बर्मी कंपोज है, और ये नीम, ये जो है चाय पत्ती की खाद है, ये नीम खली है। और ये देखिए, ये थोड़ा सा बोन मील है। ये जो है हमारे बल्बस प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ये जड़ों का विकास करता है फ्रेंड। तो ये डालेंगे, और थोड़ी सी हम जो है इसमें जो है ये मेरे पास जो है हल्दी है, फंगस के लिए, जो फंगस ना लगे हमारे बल्बों में। तो ये देखिए एक चम्मच करीब मैंने ये हल्दी भी डाल दी इसमें। तो फ्रेंड ये सब हम जो है इसमें मिला देंगे, इसको अच्छे से जो है मिक्स कर देंगे ऐसे करके। ये देखिए ऐसे करके मिक्स कर देंगे ये। और फिर फ्रेंड हम क्या करेंगे, ये देखिए ये मैंने गमला ले रखा है 8-10 इंची का है, और ये मैंने इसके होल खोल दिए हैं सारे के सारे, जो होल होते हैं जिसमें।
और उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए ये कुछ मूंगफली और प्याज के छिलके हैं, इसमें मैंने इकट्ठे किए थे, ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए ये नीचे से ये डब ड्रेनेज होल का काम भी करेगा वो, और उसके बाद अब इसमें जो है मिट्टी फिल कर देंगे। देखिए हमने इसमें मिट्टी फिल कर दी है। तो देखिए फ्रेंड ये हमारे बल्ब हैं, हमने मिट्टी इसमें भर दी है इतनी, और अब हम क्या करेंगे कि इसमें बल्ब फिट करेंगे। तो बल्ब को फ्रेंड ये देखो ये जड़े इसके नीचे को हैं, ये ऊपर को रहेगा, तो हम इसको जो है ऐसे रखेंगे। और ये देखिए एक हम ये बस इतने ही बल्ब आ रहे हैं इसमें फ्रेंड, ये देखिए इतने ही बल्ब आ रहे हैं इसमें, ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। तो ये दो बल्ब और बचे हैं, इनको मैं और कहीं लगाऊंगी, और अब हम इसमें जो है ऊपर से मिट्टी फिल कर देंगे। तो अब मिट्टी फिल करते हैं इसमें, हम इसमें जो है वाटरिंग कर देंगे। तो क्या ये देखिए ये मैंने पानी ले रही हूँ, पानी लिया है मैंने, और इसमें थोड़ा सा हम फंगिसाइड डाल देंगे। सैनी शेड में रख देंगे, फिर बस इसको पानी तभी देंगे जब इसमें जो है सूख जाएगी इसकी मिट्टी। तो देखिए फ्रेंड कैसा लगा आपको मेरा रिपोर्ट करने का तरीका, मुझे कमेंट में लिखिएगा। चलिए फ्रेंड फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और गार्डनिंग करते रहें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड।